प्रयागराज के मोआयमा में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें, ये मामला प्रयागराज थाना मोआयमा क्षेत्र चामहा का बताया जा रहा है, जहां पर बिजली गिरने से सुशील कुमार पुत्र मूलचंद्र उम्र 18 वर्ष निवासी चामहा मोआयमा की मौत हो गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि युवक अपनी माँ की दवाई लेने बाहर तक गया हुआ था, साथ ही दवा लेकर वापस आ रहा था कि तभी तेज बारिश होने के कारण पेड़ के नीचे रुक गया। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से युवक सुनील कुमार की मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर राजस्व विभाग की टीम और थाना प्रभारी रामकेवल पटेल महफोर्स के साथ पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह जो बिजली गिरने से एक युवक की मौत हुई है, उसके बारे में आप जानकारी कुछ बताना चाहेंगे कि ये कैसी घटना हुई है, कहां पे हुई है, कितना बजे हुई है, किस जगह पे हुई है? ये 1 बजे के समय आकाशीय बिजली गिरी और ये लड़का रास्ते में आ रहा था चक शेख अहमद पूरे टोड़ी भोला चौराहा पर, बरसात के कारण रुक गया। रुकने के बाद ही अचानक बिजली गिरी और ये लड़का ख़त्म हो गया। निवासी ये जामहा खास का है, नाम सुनील कुमार पटेल, बाप का नाम है मूलचंद पटेल, उम्र 19 वर्ष, अविवाहित है। सरकार की तरफ से जो कुछ सहायता होगी कुछ अधिकारियों के आदेशानुसार दिया जाएगा। कितना बजे की घटना है? 1 बजे की, एक दिन में 1 बजे। अच्छा, लड़के के पिताजी क्या करते हैं? लड़के के पिताजी तो मजदूरी खेती करते हैं जी। आप कौन? आप अपना परिचय बताइए। मैं लालजी यादव, राजस्व निरीक्षक, फूलपुर। ये जो आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की हुई मौत है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये कैसी घटना हुई है, क्या हुआ, कितना हुई है घटना? घटना 12 बजे करीब की है। लड़का अपनी माँ की दवा के लिए गया था। कहाँ पे गया था? भोला चौराहा पे। तो दवा लेकर वापस आ रहा, तभी एक पेड़ के नीचे रुक गया, जहाँ पे वो आकस्मिक बिजली गिरने से उसकी। किस जगह पे वो रुका था? भोला चौराहा पे। भोला चौराहा पे रुका था। तो क्या लड़का जो है, लड़के के कितने भाई हैं, कितने बहन हैं? लड़का अकेला है, उसकी 2 बहन है और बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अच्छा, छोटा ये लड़का है? हाँ, 20 का लड़का है। क्या करता था वो लड़का? लड़का पढ़ाई कर रहा था। कौन सी क्लास में पढ़ता था? कक्षा 10 में था। क्या नाम था, क्या नाम है लड़के का? सुनील कुमार। पिताजी का नाम क्या है? मूलचंद। निवासी? निवासी ग्राम जामा है, लाख बहरिया का रहने वाला है। आप कौन? हम यहाँ के प्रधान हैं, कमलेश कुमार। कमलेश कुमार। पता? पता हमारा ग्राम जामा विकासखंड बहरिया जनपद प्रयागराज तहसील फूलपुर के निवासी है। टीवी ऑन इंडिया न्यूज के लिए रामफल पटेल की रिपोर्ट, मोआयमा प्रयागराज। चंदौली की दीनदयाल नगर में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियरों द्वारा ऑक्सीमीटर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन चेक किया जा रहा है, तथा दावा किया जा रहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए यूपी में भी दिल्ली मॉडल प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए। कार्यक्रम में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया है कि दिल्ली में ऑक्सीमीटर की सहायता से ही काबू पाया गया है। वहीं शुरुआत में 20 गाँव के लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा और अगर कमी पाई गई तो उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जाएगा। साथ ही उनकी तरफ से हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, क्योंकि कोरोना से सरकार लड़ने में असक्षम दिखाई दे रहा है। अपना नाम और परिचय बताएं। जी, मैं संतोष कुमार पाठक, एडवोकेट, यहाँ का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। क्या कार्यक्रम रहा संतोष जी आज? कार्यक्रम यह है कि चंदौली जिले में पहले ऑक्सी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके निर्देशानुसार और माननीय संजय सिंह के आदेशानुसार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोगों का मानना है कि कोरोना में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। जो बीमार हो उसकी समय से जांच हो जाए, पता चल जाए, उसको हम लोग हॉस्पिटल भेज सकें, उसकी सेवा कर सकें, इसी के लिए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोगों के पास ऑक्सीमीटर है, हम लोग घर घर इसको लेकर के जाएंगे और सबके ऑक्सीजन लेवल का पता लगाएंगे। अगर ऑक्सीजन कम है तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाएँगे। कोरोना काल में हम लोग मदद कर रहे हैं, ये पर्ची भी उनको देंगे हम कि आपको जो जो दिक्कत है हमसे संपर्क करिए। इसमें हमारा नंबर भी है, हमारे ज़िले का हेल्पलाइन नंबर है, संतोष सिंह जी का नंबर है, जो हेल्प हमारे कोरोना प्रभारी हैं जिले के। इस तरह से हम लोग व्यापक कार्यक्रम घर घर जाकर के चला रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, घर घर जागरूक किया जा रहा है ताकि कोरोना से बचें। कोई अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग बराबर जिले की सेवा में लगे हुए हैं, लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। अपना नाम और परिचय बताएं। जी, मेरा नाम देवकांत वर्मा है और मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। आज आपका क्या कार्यक्रम रहा? हम लोगों ने आज यहाँ पे ऑक्सीजन जांच केंद्र का उद्घाटन किया है छितमपुर गांव में, और इस कार्यक्रम के तहत हमने ये अभियान पूरे गांव में चलाया
जिसमें घर घर जाके हमने ऑक्सीजन लेवल का जांच किया और हमने पर्चियां बांटी जिसमें कि कैसे कोरोना से बचाव होगा। और ये कार्यक्रम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया हैं और श्री संजय सिंह जी जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं माननीय सांसद जी, ये कार्यक्रम उनके आह्वान और दिशा निर्देशन पर कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम आज चल रहा है। इसके तहत हम हर जिले के 20 गांव में जाएंगे शुरुआती दौर में और वहां पे जाके उन गांवों के लोगों को बताएंगे, उनका ऑक्सीजन का लेवल जांच करेंगे और किसी का भी यदि कम मिलता है तो हमारे वॉलंटियर साथी तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, उनको डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और इस तरह से हम कोरोना पे विजय पाने का पूरा उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। लगातार रेगुलर मुहिम चलाया जा रहा है, मुहिम लगातार चलेगा आगामी कई दिनों तक। और इसी प्रकार से हमने दिल्ली में भी नियंत्रण किया, दिल्ली में घर घर जाके हमारे वॉलंटियर्स ने कोरोना का जांच किया, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन जांचा, जिसका भी कम पाया तुरंत उनको अस्पताल में एडमिट कराया या फिर उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। इस प्रकार से हमने कोरोना में वहाँ नियंत्रण किया और उत्तर प्रदेश में नियंत्रण किया। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, पूरे देश में आज अस्पतालों में बेड नहीं है और दिल्ली में हमारे पास पूरे के पूरे बेड अधिकांश खाली पड़े हुए हैं। ये कोविड-19 का भी नाकामियां देखने को मिला, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नाकामियां सरकारों को मैं बहुत कुछ इसके लिए दोषी मानता हूँ, नीयत को दोषी मानता हूँ। दिल्ली एक छोटा सा राज्य, 4 दिन का हम लोग का राजनीतिक शुरुआत है और हमने सब कुछ वहाँ करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? ये सीधे सीधा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लूट है, ये नियत की खोट है और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही, उनकी जवाबदेही पूंजीपतियों के प्रति और अमीरों के प्रति है और गरीबों का उनको परवाह, आम आदमी का उनको परवाह नहीं है। इसका वजह ये है। आपने एक वीडियो देखा होगा फेसबुक पे, जो एक पत्रकार ने रेउसा कोविड-19 का वीडियो वायरल किया था, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? योगी सरकार पगला गई है, जब चींटी की मौत आती है तो उसको पर निकल जाता है, ये उसी प्रकार से अनाप शनाप निर्णय ले रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है उसको मुकदमा दर्ज करके जबरदस्ती जेल में ठूस दे रहे हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि रात कितनी भी लंबी हो सुबह होगी। आखिर एक पत्रकार अपना सच्चाई लिखना, अगर पत्रकार सच्चाई दिखा तो क्या उसका ये सजा है? बिल्कुल गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। संजय सिंह जी ने इस पर ट्वीट भी किया था, हमने इस बात को सदन में भी उठाया था, ये बात हम फेसबुक पे उठाए, हमारे राष्ट्रीय पेज पे उठा था इस पत्रकार साथी की बात, हमारे उत्तर प्रदेश के पेज पे भी ये बात चली थी, हमने खुद उस बात को ट्वीट किया था संजय सिंह जी को टैग करते हुए। अभी सोमबीम में भी बना आइसोलेशन वार्ड, वहाँ भी इसी तरह नाकामियाँ देखने को मिल रही है। मैंने क्या कहा, नियत नहीं, ये हम लोग जनता के प्रति जवाब देंगे, पूंजीपतियों के प्रति जवाब देंगे, ये लुटेरों के प्रति जवाब देंगे। आज दिल्ली में नियंत्रण कैसे कर लिया? आज दिल्ली छोटा सा राज्य, 2.5 करोड़ की जनता का राज्य, 24 करोड़ की जनता यहाँ पे है, कैसे हमने नियंत्रण कर लिया? तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? इनके पास तो तमाम संसाधन, तमाम अस्पताल, तमाम डॉक्टर्स कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये कि नियत नहीं है। अगर नियत इनके पास होती, ईमानदारी होती, तो आज उत्तर प्रदेश भी हमारा एक बढ़िया राज्य होता। पर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग चुप नहीं बैठेंगे और जब तक उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी और आम आदमी का राज नहीं स्थापित हो जाएगा, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। टीवी इंडिया न्यूज के लिए प्रवीण कुमार केसरी की रिपोर्ट, चंदौली। प्रतापगढ़ में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। जी हाँ, आपको बता दें, प्रतापगढ़ के छितपालगढ़ नहबैया गांव में बांस काटने की बात को लेकर बदरू दिशा, पत्नी कल्लन से पड़ोसी नजुहैद, हसीब अहमद, पुत्रगढ़ अंसार अहमद व कई लोगों से विवाद हुआ। इसी बीच विवाद बढ़ गया और इसी बीच उपरोक्त विपक्षी गढ़ इकट्ठा होकर पीड़िता एवं उसके परिवार सदस्यों को मारकर अधभरा कर दिया। इस प्रकार साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी। वहीं पीड़िता ने मामले की जानकारी पुलिस चौकी देलहूपुर को देकर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला बताइए? बांस के बाद झगड़ा भय है भैया, और हमका घिर रहा है, मारे है। कौन मारा आपको? घिरा दार है हमारे लड़की के मारे, और लाते मुँह का मारे है, घर रहा के मारे, और का कहा थी 4-5 जने रहे। अच्छा, कौन कौन था जो आपको मारा है? पट्टीदार है यही। क्या नाम है पट्टीदार का? नाम जुनेद नाम वहाँ, और हसी मुझे फुल्लतुल लगागा थी रिजवाना। क्या इसकी सूचना आपने पुलिस को दिया? हाँ, रपट लिखाई। तो क्या पुलिस वाले गए अभी तक? नहीं गया, कहे 2:30 बजे जाओ, देखा जाए। पुलिस वालों ने कहा कि 2:30 बजे जाएंगे। तो जाते कि नहीं जाते? आप क्या चाहते हैं? उनके ऊपर की मुकदमा लिखा दे। अच्छा, आप यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए? हमारे मारे हैं, चढ़ के मारे, 4-5 जने घर के मारे। अच्छा, कौन कौन मारे, नाम जान?
क्या नाम है आपका? बदरुन्निसा। पता क्या है आपका? गांव का नाम क्या है? नहवाईया। अच्छा, चौकी क्या पड़ती है आपकी? देलू। थाना? मंधाता। जिला प्रतापगढ़। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रिजवान अली की रिपोर्ट, गंगापार, प्रयागराज। ललितपुर में सोशल मीडिया से अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। आपको बता दें, AIMI पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर को एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं शिकायती पत्र पर AIMIM पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद आमिर खान, जिला महासचिव फिरोज पठान, वसीम असर, कादिर अरबास और दीपक गौतम आदि के हस्ताक्षर बताए गए हैं। मैं दीपक गौतम, विधानसभा अध्यक्ष AIMIM पार्टी। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता हूं, मांग करता हूं कि जो फेसबुक पर महापुरुषों के खिलाफ आए दिन गलत टिप्पणियां करते हैं, भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारे जो भारत के सम्माननीय नागरिक राहत इंदौरी साहब, मसूर साहब, उनके खिलाफ भी कई लोग गलत टिप्पणियां और गलत उनके बारे में गलत पोस्ट डालते हैं, तो उनके जो लोग गलत पोस्ट डालते हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। क्या मामला है आज, किस लिए SP साहब के पास ज्ञापन देने आया? मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है, मैं MIM पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आज यहाँ पर सोशल मीडिया के विरुद्ध FIR करने के लिए आया हुआ हूँ, जिस उस व्यक्ति का नाम नीतीश राजपूत है, उसने अभद्र टिप्पणियाँ लिखी हुई हैं जिससे दंगा फैलाने के माहौल बन सकते हैं, इस प्रकार से उसने टिप्पणियाँ की हुई हैं। और कुछ लोग राहत इंदौरी साहब, जो देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और प्रतिष्ठित शायर भी थे, उनके खिलाफ भी कई लोगों ने गलत पोस्ट डाली हुई हैं कि वो जिहादी थे, फलाना थे, ढिकाने थे, इस प्रकार से। और आज हम लोग SP साहब के पास नीतीश राजपूत की जो FIR के लिए आए हुए हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। टीवी इंडिया न्यूज़ के लिए जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, ललित। मथुरा के नौछील में बालिका से छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। यहां आपको बता दें, दोनों पक्षों में जमकर पथराव व फायरिंग हुई। इस बवाल में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, कस्बा के मोहल्ला इमामबाड़ा में पिछले कई दिनों से मोहल्ले के एक युवक 11 वर्षीय बालिका के साथ आए दिन बदसुलूकी व छेड़छाड़ करते थे। शनिवार को बालिका के परिवारजनों को इसकी जानकारी हुई तो मामला भड़क गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग, पथराव एवं लाठी डंडों एवं फरसी से हमला किया गया। साथ ही इसमें दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही सभी हमलावर फरार हो गए हैं। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त है। जब श्री जब्बार खान सनाफ नवाब खान निवासी थाना नौझील ने आज थाना पर आकर सूचना दी कि उनकी पुत्री जब दुकान पर बैठी थी, तो इसी दौरान उनके पड़ोसी आसिफ सनाफ कल्लू दुकान पर आए एवं उनकी पुत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया। जब परिजनों द्वारा इस पर आपत्ति प्रकट की गई तो आरोपी पक्ष के परिजन भी आए एवं उनके साथ मारपीट की घटना की गई एवं फायरिंग की गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साथ संकलन कर आरोपियों के खिलाफ कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। प्रयागराज के कोराव तहसील में मीटर से चोरी करने वालों के खिलाफ बिजली विभाग ने कार्रवाई की। जहां आपको बता दें, घटना कोराव तहसील अंतर्गत खीरी थाना क्षेत्र के लेडियारी गांव का है, जहां पे बिजली विभाग के नोडल अधिकारी आशीष गुप्ता द्वारा उपभोक्ताओं के घरों में लगे मीटर की स्वयं जांच की जा रही है। जिन उपभोक्ताओं द्वारा मीटर में बाईपास दिया गया है, मीटर से बिजली की चोरी की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नोडल अधिकारी के साथ मीटर रीडर गिरधारी लाल वर्मा, लाइन मैन बुंदर तथा सभी संविदा कर्मी मौजूद रहे। इसी के साथ जिनका विद्युत बिल काफी दिनों से जमा नहीं किया गया है, उनका भी कनेक्शन काट दिया गया है। और उपभोक्ताओं से कहा गया है कि बिना बिजली का बिल जमा किए बगैर बिजली का उपयोग किया जाता है, तो विभागीय विधिक कार्रवाई कराई जाएगी, जिसके लिए उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे। फरवरी 2019 से ये मीटर लगा है और इसमें अभी 4 यूनिट बस केवल चली है, लोड इसमें 0.0 है। अभी उतरा यहाँ, लाइट ना दी थी हमको ना। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास मशीन है, कहीं मशीन चेक कर ले, बताइए, चेक करें। टीवी इंडिया न्यूज के लिए साहब लाल कुशवाहा की रिपोर्ट, प्रयागराज।
बाराबंकी में पुलिस पेट्रोलिंग की खुली पोल। जहां चोरों ने मकान की छत के सारे घर में घुसकर कमरों में रखे बक्से को तोड़कर उसमें रखे लाखों के जेवर सहित लाखों की नकदी कपड़ों पर किया हाथ साफ। जहां छत के सहारे घर में घुसे चोरों ने ग्राम प्रधान मिथिलेश कुमारी के घर को अपना निशाना बनाया, जहां से लाखों के जेवरात सहित लगभग 1.5 लाख नकदी चोरी कर फरार हो गए। साथ ही घटना थाना बड्डूपुर के ग्राम पंचायत खिजना की बताई जा रही है। डीवीएन इंडिया न्यूज के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट, बाराबंकी। जनपद ललितपुर की तहसील मडावरा अंतर्गत ग्राम गोराकला सहकारी समिति की अध्यक्ष राम कुंवर पति प्रभुदयाल अहिरवार ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक शिकायती पत्र के माध्यम से आरोप लगाते हुए बताया है कि गोराकला सहकारी समिति के नाम एक बड़ी कृषि भूमि कागज में दर्ज है। ये भूमि कभी भी समिति के कब्जे में नहीं रही है। इस भूमि को कब्जा मुक्त कराने हेतु समिति सचिव राघवेंद्र सिंह चौहान द्वारा 15 जुलाई 2019 और 20 जुलाई 2019 को जिलाधिकारी मडावरा सहित तहसील दिवसों में शिकायती पत्र दिया गया था। साथ ही मांग की गई थी कि उक्त कृषि भूमि की पैमाइश करवाई जाए, जिसकी आज तक नाप नहीं हो पाई है। साथ ही भूमि पर समिति का कब्जा नहीं हो पाया है। सहकारी समिति के नाम दर्ज कृषि भूमि की वर्ष 2019 में तहसील मडावरा अंतर्गत रखवारा गांव के एक व्यक्ति ने विभागीय मिलीभगत से नीलामी कराकर बिना खेती कराए लाखों रुपए की फसल बीमा राशि फर्जी तरीके से हड़प ली। वहीं आपको बता दें, नीलामी करवाने वाले व्यक्ति ने उक्त कृषि भूमि पर ना तो कोई फसल बोई, ना ही उसका कोई नुकसान हुआ। तो कैसे इसका भूमि नुकसान राजस्व के दस्तावेजों में दर्ज हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब उक्त भूमि समिति व सहकारी विभाग के कब्जे में है ही नहीं और वर्तमान में भी नहीं है, तो भूमि का बीमा कैसे किया गया। समिति अध्यक्ष ने उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। एक मामला गोरा सहकारी समिति का है, क्या मामला है वो? ये मामला संज्ञान में आया है कि वहाँ पर हमारी एक सामूहिक सहकारी कृषि समिति लिमिटेड गोरा कला, जिसकी मेरी पत्नी श्रीमती राजकुमार अध्यक्ष हैं और मैं उस प्रबंध कमेटी का सदस्य निर्वाचित हूँ, और उसकी समिति की 102 एकड़ जमीन कागजात सहकारिता विभाग एवं समिति के संयुक्त खाते में है। इस भूमि की नीलामी निबंधक सहकारिता विभाग ललितपुर द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है, जबकि इस जमीन पर मौका कागज नहीं होने, समिति का कोई मौका कागज नहीं है, विभाग का भी नहीं है, इसलिए उसकी नीलामी कम लोग लिया करते। तो वर्ष 2018 में बिराज राम सिंह पटेल द्वारा उसकी नीलामी ली गई थी, जिसकी धनराशि समिति के खाते में जमा की गई। अतः उस समिति की जमीन पर कब्जा नहीं होने के कारण उनको समिति द्वारा पैसा वापस किया गया था निबंधक के आदेश के द्वारा। इसके बाद वर्ष 2019 में खरीफ की फसल हेतु एक वर्ष के लिए नीलामी दामोदर भाई पटेल, सनोप रघुवर सिंह पटेल निवासी रखवारा के नाम षड्यंत्र के तहत कर दी गई, जबकि वहां मौके पर कोई कब्जा नहीं था ना है। और इस समिति के नाप के लिए हमारे सहकारिता विभाग के तैनात सचिव द्वारा 15/7/2019 को तहसील मडावरा तहसील दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया कि हमारी भूमि नाप दी जाए। अतः राजस्व विभाग मडावरा राजस्व विभाग द्वारा किसी कारण वो भूमि नहीं नापी गई, तो दामोदर भाई पटेल को जब मौके पर भूमि प्राप्त नहीं हुई है बोने के लिए, तो फिर उन्होंने षड्यंत्र के तहत उनके एक रिश्तेदार जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पद पर नियुक्त हैं, जिस कारण उन्हें षड्यंत्र के तहत बीमा एजेंट ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसके एजेंट से मिलकर प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत वहां बीमा करा लिया। टीवी इंडिया न्यूज के लिए जाकिर मंसूरी की रिपोर्ट, ललितपुर। मैगलगंज कोतवाली में परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। जहां आपको बता दें, कोतवाली परिसर में बने आरक्षी आवास और कोतवाली ग्राउंड सहित कार्यालय में सफाई अभियान चलाया गया और उप निरीक्षकों के साथ कोतवाली प्रभारी भी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए हैं। इंस्पेक्टर चंद्रकार सिंह ने चौकी प्रभारियों को चौकी की साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। टीवी इंडिया न्यूज के लिए हजूर सिंह की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।
जनपद प्रयागराज में मोवाइमा ब्लॉक विकास के मामले में नंबर वन माना जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर देखने को मिला है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से चारों तरफ भ्रष्टाचार ही छुपा हुआ है, जहां प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को आवास, शौचालय, विधवा पेंशन व अन्य चीजें उपलब्ध कराए जाने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से उनके आदेशों को पलीता लगाया जा रहा है। सुविधाएं के नाम पर सिर्फ धन वसूली का मामला प्रकाश में आता है, जहां जीरो करप्शन का दावा करने वाले ब्लॉक प्रमुख मोवाइमा सुधीर मौर्य भी जांच का विषय बताकर मामले को समाप्त कर देते हैं, जिससे क्षेत्रीय लोगों ने विकास के नाम पर सोने का आरोप लगाया है। यही नहीं, विकास के लिए प्रदेश सरकार विद्यालय व अस्पताल के बाउंड्री व अन्य निर्माण के लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, लेकिन उन पैसों को बंदर बांट कर घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल कर उन्हें बनवाया जाता है। यहां तक तालाब के किनारे मिट्टी न फेंके जाने के कारण अतिरिक्त पानी के कारण लोगों के घरों में पानी जा रहा है, जिससे तालाब के किनारे बसे लोगों के घर गिर रहे हैं और उनके पास रहने का कोई भी साधन नहीं है। समस्या है आपको? हाँ सर, इसमें हमारी परेशानी यही है सर कि जो ये तालाब सामने दिख रहा है, इसमें सर जो है या पट्टा है या नहीं है, इसको हमको जानकारी नहीं है। लेकिन सर इसको जो है माटी, अगर इसमें मछली जिलाना था तो इसमें चारों तरफ माटी फेंकाते हैं, माटी फेंका करके तो इसमें मछली जिलाते। अब इसमें सर मछली न जाए तो इसमें जिला दिया गया है, इसको प्रधान जी जिया दिए हैं, लेकिन इसमें सबर सेबुल से पानी डाल देते हैं, और डालने के बाद जब सर हम लोगों को बारिश के समय आता है तो हम लोग जो घर बनाए रहते हैं वो घर हमारा पानी से गिर जाता है। जब इस तालाब में पानी का पास कहीं है नहीं, कहीं जाने वाला नहीं है, तो इसका अगर मछली जिलाए हैं या कुछ भी करे हों, इससे हमसे इतराज नहीं है सर, लेकिन इसकी जो है नाली नाला कहीं निकलवाना चाहिए, फिर उसके बाद इसमें मछली जिलाओ, फिर इसमें बगल में बस्ती है, अगर तुम इसमें पानी डालते रहोगे जब बारिश का पानी आएगा तो बस्ती ये भरेगा तालाब तो पूरी बस्ती गिर जाती है। क्या जिनका जिनका घर गिरा है उनको आवास या वो आवास के लिए लाभार्थी हैं? हाँ जी बिल्कुल, आवास के लिए हम लोग हैरान है सर। हम लोग आवास के लिए एक नहीं, 1000 नहीं, मैंने कोर्ट गया, कचहरी गया, 10-76 पे बात किया। तो क्या रिस्पांस मिला वहाँ से? वहाँ से ये मिलता है सर कि जो है तुम्हारा सूचित से नाव काट दिया गया, फिर एकदम सूचित पे मैंने नाव चढ़वा दिया 10-76 पे बात करके, फिर कोर्ट से गया, कचहरी में गया, वहाँ पे तहसील दीवक पे भी वहाँ मिला, फिर वहाँ से यही होता है कागज गया है अब काम हो रहा है। तो आप लोगों ने प्रधान से बात की? प्रधान से जी बात क्या करें, प्रधान से बात करते हैं तो प्रधान कहता है कि क्या मेरे घर में है, और जब कुछ पैसा दोगे, कुछ खर्चा दोगे, कुछ करोगे तभी तो आप लोग को मिलेगा। पैसा मांगते हैं आवास के नाम पे? जी। कौन मांगते हैं जी? अभी प्रधान जी मांगते हैं, सेक्रेटरी मांगता है। सेक्रेटरी क्या नाम है? सेक्रेटरी की जी ये मनोज भारतीय थे सर। प्रधान का नाम? जी लाल प्रधान थे। आपका नाम क्या है? गुड्डू सरोज। विकास खंड गाँव खरगा। विकास खंड मोवामा के खरगापुर ग्राम सभा में प्रधान के द्वारा आप सबको क्या दिक्कत है अभी? हमारी दिक्कत यही सर, हमारे घर में दुआ है ना, हमारा कोई विकास है सर, हम लोग लॉकडाउन की इसी लग गया, बाहर जाता हूँ वहाँ भी नहीं समझ ही करें क्या बन, यही हम लोग की परेशानी है सर कि घर द्वार का कोई विकास नहीं सर। नहीं तो आप सबके पास खेती बाड़ी नहीं है? नहीं सर। तो प्रधान आपको आवास भी नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, कोई आवास नहीं। क्या कहते हैं आपसे? आप हमको कुछ बताते ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई सवाल ही नहीं देते हैं। नहीं, क्या कभी कुछ कहे कि लिस्ट में नाम है या ऐसा कुछ? कुछ नहीं सर, हमको कोई बात ही नहीं बताई। कभी आपने पूछा है? बताते नहीं सर, तो हम पूछे एक दो बार कोई विकास हो सकता है, नहीं हो सकता तो हमें वो बात बताएंगे। आपका नाम क्या है? राम सुंदर जी। ग्राम सभा? मऊआमा। ग्राम सभा कौन सा है? खरगापुर जी। विकास खंड भगत रहे घर मानते खाद कमाते खेती बाड़ी मान प्रधान कान 20,000 का 10,000 रुपये कहाँ पहराण रहे कहाँ दे। किस लिए पैसा मांग रहे हैं आपसे? कान दे जा तो तुहार पिल्सिट बनाई दे तुहार घर बना। तो क्या आपने किसी अधिकारी से शिकायत की इसकी? किनसे शिकायत किए हैं? अरे सब आई रन कान इनका पैसा ले ला तो दे ले, सब पर दिए हमका नहीं दिए। कौन नहीं दिए? वो प्रधान है। आपका नाम क्या है? अनारा देवी। गांव? खरगापुर। विकास खंड? इलाहाबाद। लागा समस्या है आप सबको? बहुत समस्या है, अब यही वहाँ 5-5 बच्चे और यह बाहर चूल्हा बढ़ता है, कहाँ करिए कैसे करिए पढ़। नहीं तो कभी आपने प्रधान से कहा कि साहब हमको कॉलोनी चाहिए?
कहा गा है तो सुनते नहीं साहब, क्या कुछ कहते हैं? बोलबो नहीं करते। हाँ नहीं तो खुद से जवाब दो। क्या आप किसी अधिकारी से शिकायत किए हैं? नहीं साहब। आपका नाम क्या है? निशान है, किसी के पास हम जाते नहीं, क्या फायदा है भाई, बड़े 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 कुछ जानकारी हो तो जाओ। क्या नाम है आपका? संतला। ग्राम सभा? खरगापुर। विकास खंड? विकास खंड। टीवी इंडिया न्यूज के लिए रोहित सिंह की रिपोर्ट, प्रयागराज।